तो दोस्तों आज भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इस फैसले से शायद रशिया को झटका लग सकता है, क्योंकि जब रशिया भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को तेल बेचने में लगा हुआ था, तभी भारत ने अचानक से यूक्रेन के साथ रातों रात एक बड़ी डील साइन कर डाली और यूक्रेन का माल उठा लिया। दरअसल आप सभी को पता है कि पिछले साल से भारत और रूस के बीच में व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा है और रूस से भारत ने भर भर के कच्चा तेल उठाया है, जिससे भारत की आवश्यकता पूरी हुई और रूस को भी फायदा मिला। परंतु अचानक से रशिया पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान को अपना गेहूं और कच्चा तेल बेच रहा है और ऐसा करके रशिया अपने हितों की सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के रूप में रशिया को एक बड़ा ग्राहक मिल रहा है। अब यह भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे कट्टर शत्रु देश है और रशिया पाकिस्तान के साथ ही दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। परंतु इसी बीच भारत की तरफ से भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और भारत ने यूक्रेन से रातों रात लाखों टन तेल का इंपोर्ट कर लिया है। दरअसल कच्चे तेल के अलावा भारत दुनिया भर से खाद्य तेल का भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। हमें हर साल करीब 2,35,00,000 टन खाद्य तेल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 1,20,00,000 टन तो हम खुद उत्पादित कर लेते हैं और बाकी का जो बचा हुआ 1,15,00,000 टन जो खाद्य तेल है वो हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हैं और इस 1,15,00,000 टन में से 20 से 25 लाख टन हम सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करते हैं, जो कि पहले यूक्रेन से आया करता था, परंतु रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण यह जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बाधित हुआ और हमने रूस से सनफ्लावर ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया। परंतु अचानक से यूक्रेन के यहाँ पर स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया ऑयल का, जिससे यूक्रेन ने भारत को रशिया से भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अपना सनफ्लावर ऑयल ऑफर किया, तो भारत ने लाखों टन की मात्रा में यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल उठाया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें यह बताया गया है कि यूक्रेन से माल आने के बाद भारत में खाद्य तेल की कीमतें घट जाएंगी। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत ने अपने हितों की सुरक्षा करते हुए यूक्रेन से सस्ते दामों के अंदर सनफ्लावर ऑयल को खरीद के क्या सही फैसला लिया, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।